हेलो फ्रेंड्स, अमिता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टाइल में तरोई की सब्जी। इसके लिए हमें चाहिए तरोई, मूंगफली के दाने, हरी मिर्च, हींग, जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, तेल, हल्दी पाउडर, नमक। और अभी मैं इन दानों को थोड़ा सा दरदरा पीस लूँगी। ये मैंने दानों को दरदरा पीस लिया है, देखिए थोड़े से मोटे हैं। अब मैं कढ़ाई में तेल डालूंगी। तेल गरम हो रहा है, अभी मैं इसमें हींग डालती हूँ, चुटकी भर हींग। जीरा, हरी मिर्ची, हाफ स्पून हल्दी, धनिया पाउडर, मैं इसमें डालूंगी मूंगफली के दाने, इसको थोड़ा भूनूंगी। मैंने मूंगफली के दाने भुने हुए लिए थे पहले से ही। मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से, मैं इसको थोड़ा पानी डाल के मसाला बनाती हूँ। देखिए हमारा मसाला अभी भुन गया, 2 मिनट में भुन गया, तेल छोड़ने लगा। ये देखिए अब मैं इसमें तरोई डाल देती हूँ, नमक डालती हूँ। तरोई में थोड़ा सा नमक कम डालते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बैठ जाती है, बाद में कम क्वांटिटी हो जाती है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए मैं ढक दूंगी, क्योंकि तरोई बाद में पानी छोड़ती है। उसके बाद में मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है, अभी मैं इसको ढक देती हूँ, गैस को धीमा कर देती हूँ। पाँच मिनट हो गए हैं, मैं अपनी तरोई देख लेती हूँ। ये देखिए तरोई ने पानी छोड़ दिया है। अभी मैं अपने हिसाब से थोड़ा, अभी ये पक्की नहीं कच्ची है इसलिए इसमें सिर्फ आधा कप पानी डालूंगी। ये देखिए अभी ये ऐसी हो गई, जब ये पक जाएगी तो थोड़ा पानी इसमें कम हो जाएगा। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए फिर ढक देती हूँ। अभी 5 से 10 मिनट हो गए हैं, मैं अपनी सब्जी देख लेती हूँ, पक गई है। इसको हम अपने हिसाब से थोड़ा सा पतला या गाढ़ा रख सकते हैं। ज़्यादा पानी हो तो आप थोड़ा सा गैस जला के इसको सुखा सकते हैं। ये मेरी सब्जी बन गई है, अब मैं इसको बाउल में लेती हूँ। देखिए आप इस सब्जी को पराठे या चावल के साथ में खा सकते हैं, बहुत टेस्टी होती है, हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी है।